कितना फर्क पड़ा आपको करण के शो पर नेपोटिज्म के बारे में बात करने का? आई थिंक अगेन लाइक आई सेड अनुपम सर, जब जब एक इंडस्ट्री में लोग साथ में काम करते हैं तो जाहिर सी बात है किसी तरह के वाद विवाद तो होते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जहाँ कहते हैं ना बर्तन है तो आवाज़ें तो आएंगी ही। तो उससे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि जो मुझे कहना था आई जस्ट सेड दैट, एंड मेरा कुछ अपने लिए कोई वो नहीं है। मुझे इस वक्त पे ऐसा लगता है कि आई एम क्वाइट सेल्फ सफिशिएंट। मैंने इनफैक्ट अपना प्रोडक्शन हाउस भी लॉन्च किया है। सो इन दिस केस फॉर मी लाइक अगेन, डू यू वॉन्ट टू सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट व्हाट इज़ रॉन्ग, इज़ द इंटेंशन। सो आई फील दैट इनफैक्ट जो भी कॉन्वर्सेशन हुई थी उसमें अगर देर आर अ सेट ऑफ पीपल जो कि जो उनके अपने हैं, जो उनको ठीक लगता है, जो उनको सही लगता है, वो प्रोपोगेट करते हैं, लेकिन हमको तो अपनी सच्चाई प्रोपोगेट करनी है कि भाई हम तुम्हारे बिना भी किसी की मर्जी से किसी का नसीब किसी का गुलाम नहीं होता है। सो आई वॉन्ट टू प्रोपोगेट माई स्टोरी। वेन ही रोट अ ब्लॉग कॉल्ड आई एम गिल्टी ऑफ नेपोटिज्म और समथिंग, उन्होंने करण जौहर ने इतने ज़िम्मेदार इंसान होने के बाद भी उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मैं क्या करूं, जब जितने अच्छे की फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे हैं उतना कोई अच्छा है ही नहीं कि मेरा कसूर है। इतने हज़ारों लोगों ने ऑडिशन लिया मैंने, लेकिन जो लड़कियां हैं अच्छी या लड़के हैं अच्छे सिर्फ कॉन्टेक्ट्स वाले ही हैं, तो क्या मेरा कसूर है? अगर टैलेंट और अच्छे लुक्स और ये सिर्फ अगर फिल्म इंडस्ट्री में ही हैं और इनको मेरा एक्सेस और मैं बहुत लकी हूँ, तो क्या मेरा कसूर है? तो अब इसमें मुझे ऑब्जेक्टिविटी कम और एक तरह की ब्रेन वॉशिंग ज़्यादा लगती है, जो कि ये इंग्लिश बोलने वालों ने जो इंग्लिश एटीट्यूड है ना कि इंस्टिल इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। क्या इंडस्ट्री सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है एक स्टूडियो की में, दो स्टूडियो में, या जितना भी टेलीविजन इंडस्ट्री है, जितना भी फैशन इंडस्ट्री है, जितना भी फिल्म इंडस्ट्री है, क्या ये चार खानदानों से चल रही है? जितना टैलेंट, जितना जो भी आर्टिस्ट हैं, हमारा जो इंडिया है टर्न आउट कर रहा है, उनको सबको आपने एक मिनट में गिरा दिया कि है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। ये तो झूठ है, ये झूठ है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि जो बच्चों ने बचपन से ही, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, बचपन से ही एक ऑडिशन की तैयारी की हो, फाइटिंग क्लासेस, डिक्शन क्लासेस, हेयर क्लासेस, स्किन क्लासेस, घुड़दौड़ आपको ये सब। हाँ, ऑब्वियसली इट विल मेक एन इम्पैक्ट। जब वो अपने फर्स्ट ऑडिशन के लिए जाएंगे, इट विल मेक एन इम्पैक्ट, दे विल स्टैंड आउट। उनकी जर्नी हो सकता है थोड़ी ईजी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दूसरों के लिए कोई मतलब ही नहीं है। वो 10 साल बाद ये तो पर कमाल के एग्जाम्पल बैठे हैं हाँ हम कंगना जी। लोगों जी हम लोगों ने मे बी 10 साल बाद सक्सेस मिलेगा उनको, लेकिन ये कहना गलत है कि देर इज नो चांस, ये झूठ है। और अक्सर मैंने देखा है कि जितने भी इन फिल्मी फैमिली से आने वाले बच्चे हैं, वो अपने प्रिविलेजेस को ना समझ के, वो अपने जितने भी उनको गाइडेंस मिलती है उसकी महत्वता ना समझ के हमेशा कहते हैं हम पे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमारे पास ऑडियंस होती हैं, हमारा क्रिटिसिज्म करने के लिए लोग खड़े होते हैं। आपको जानते हैं, आप जानते हैं 10 साल लगते हैं ऑडियंस कमाने में। टू बी अ नोबडी इज द वर्स्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। तो आप स्टार्ट वहां से करते हैं, आपकी ऑडियंस होती है, आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए? आज 10 सालों बाद मुझे एक क्रिटिक मिला है, 10 सालों तक तो किसी को फर्क नहीं पड़ता था कंगना रनौत क्या कर रही है, जिंदा है कि मर गई। सो वो यू हैव टू अर्न, इवन योर क्रिटिक यू हैव टू अर्न। सो दिस होल एटीट्यूड कि हमारे पास तो इतने क्रिटिक्स हैं, हम लोगों के तो इतनी ऑडियंस है, ऑडियंस जस्ट वेटिंग फॉर अस टू गेट लॉन्च्ड सो दैट दे कैन डिसाइड व्हाट एल्स यू वांट। यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट व्हिच वन माइट नो, वन आउटसाइडर माइट नॉट रीच इन एंटायर लाइफ टाइम। सो यू आर प्रिविलेज्ड, लेट मी पुट इट दिस वे, एंड यस इट्स नॉट योर फॉल्ट, it is not your fault, but at the same time it's a democracy. We cannot let the society be segregated in this in extreme manner, and we have to make sure that everyone's given equal opportunities, and that is what why we are here. And
ये एटीट्यूड हमारा कसूर है कि हम इन फैमिलीज में पैदा हुए हैं. वेल वी डोंट इवन लाइक दिस होल थिंग ऑफ के अगर मैं लकी हूँ तो मैं क्यों. वेल दैट्स योर वेरी वेरी पर्सनल ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ. इफ यू माइट फील दैट यू वेरी फॉर्चुनेट बट लुकिंग एट द काइंड ऑफ मीडियोक्रिटी यू डिस्प्ले आई माइट नॉट थिंक दैट. यू नो सो स्टॉप फीडिंग इट टू मी दैट आई एम द लकी वन सो वॉट. I'm the fortunate one, so what? You know, you're feeding this to me. I don't think you believe that.